अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए मोदी सरकार की योजनाओं से जुड़ी, साथ ही में दोस्तों बैंक खाते से जुड़ी, इसके अलावा दोस्तों रेल सेवा, बस सेवा, मोदी सरकार, लॉकडाउन, कोरोना वायरस, इस प्रकार की बस बहुत ही बड़ी और काम की खबरों को लेकर आए हैं। तो सारी खबरें आपके फायदे की है, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखते रहिएगा। साथ ही में दोस्तों, आज भारत सरकार ने आधार कार्ड को लेकर देश में एक ऐसा नियम लगवाया है जिन नियम का दोस्तों अगर आप पालन नहीं करते हैं तो दोस्तों आपका आधार कार्ड मान्य नहीं होगा और दोस्तों आपको भारत सरकार की किसी भी योजना के तहत कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप इस नियम को जरूर जान लीजिए। जी हां दोस्तों, नियम को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। इसके अलावा दोस्तों, अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आके एक बार फिर से बहुत ही बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, अगर आप भी गरीब है या फिर दोस्तों अगर आप भी किसान है या फिर अगर आप भी मध्यवर्गीय लोग है तो आप सभी को इस दीपावली मिलने वाले हैं 10,000 रुपए। जल्दी से दोस्तों आप ये एक काम कर लीजिए। जी हां दोस्तों, आखिरकार में ये पैसे आपको कैसे मिलेंगे, साथ ही में दोस्तों आपको कौन सा काम करना होगा, ये भी दोस्तों हम आपको विस्तार से बताएंगे। और साथ ही में दोस्तों, इसके अलावा अगर आप भी स्टूडेंट है, जी हां दोस्तों अगर आप भी कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं तो भी दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यहां पर दोस्तों आप सभी को मिलने वाले हैं बैंक खाते में पैसे। जी हां दोस्तों, आखिरकार में भारत सरकार ने स्टूडेंटों के लिए कौन सी बड़ी घोषणा की है, साथ ही में दोस्तों आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं और दोस्तों ये रुपए किन किन को मिलने वाले हैं, ये भी दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगली बड़ी खबर इंडियन आर्मी को लेकर आ रही है। जी हां दोस्तों, दरअसल हम आपको बता दें कि इंडियन आर्मी को लेकर एक और बहुत ही बड़ा और नया नियम लगाया है। जी हां दोस्तों, अगर आप भी इंडियन आर्मी के फैन हैं या फिर दोस्तों अगर आप भी सच्चे इंडियन हैं तो दोस्तों आप इस नियम को जरूर जान लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके भी घर में बिजली का कनेक्शन है, जी हां दोस्तों अगर आपके घर में बिजली का कनेक्शन है तो दोस्तों आपके लिए एक ऐसी खबर आई है जिस खबर को जानकर चौंक जाओगे आप। दोस्तों अगर आप भी इस खबर को विस्तार से नहीं जानते हैं तो दोस्तों आपके घर से या फिर दोस्तों आपके वहां से बिजली का कनेक्शन काट लिया जाएगा। इसलिए दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप भी इस खबर को जरूर जान लीजिए। और साथ ही में दोस्तों, अगर आपका भी इन दो सरकारी बैंकों में खाता है तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बुरी खबर, क्योंकि दोस्तों कल से ये दो सरकारी बैंक होने जा रहे हैं बंद। जी हां दोस्तों, आखिरकार में से कौन कौन से सरकारी बैंक है, साथ ही में दोस्तों ये बैंक क्यों बंद हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है और दोस्तों इसके अलावा जिन लोगों का इन बैंकों में खाता है तो उन खातों का क्या होगा, ये भी दोस्तों हम आपको विस्तार से सारी जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगली एक ताजा रिपोर्ट आ रही है। जी हां दोस्तों, अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है, मतलब कि दोस्तों अगर आप भी अभी तक कुंवारे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी चेतावनी, क्योंकि दोस्तों यहां पर कुंवारे लोगों को कोरोना का खतरा ज्यादा है। इसलिए दोस्तों अगर आप भी कुंवारे हैं तो भी दोस्तों आप इस चेतावनी को जरूर जान लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जी हां दोस्तों, अगर आपकी भी शादी हो चुकी है, मतलब कि दोस्तों अगर आपके भी पत्नी है, साथ ही में दोस्तों अगर आपकी कोई भी गर्लफ्रेंड है तो दोस्तों यहां पर भारत सरकार ने आपके लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत आप सभी को मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में 10 ग्राम सोना। जी हां दोस्तों, अगर आप भी ये एक फॉर्म भर लेते हैं तो दोस्तों आज ही आपको ये सोना मिल जाएगा। तो आखिरकार में आपके लिए ऐसी कौन सी नई योजना है, साथ ही में दोस्तों आपको कैसे आवेदन करना होगा और दोस्तों ये सोना किन किन लोगों को मिलेगा, ये भी दोस्तों हम आपको सारी जानकारी विस्तार से देंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास में चाइना का फोन है, जी हां दोस्तों अगर आपके पास में चाइना की किसी भी कंपनी का फोन है तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी और भयंकर खबर। दोस्तों भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है जिसके तहत दोस्तों अगर आपके पास में फोन है तो दोस्तों आपको हो सकता है बहुत ही बड़ा और भारी नुकसान। जी हां दोस्तों, आखिरकार में ऐसा कौन सा खुलासा किया है, ये भी दोस्तों हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि दोस्तों आपके पास में कौन सी कंपनी का फोन है जिससे कि दोस्तों भारत सरकार को खुलासा करने में और मदद मिले। और साथ ही में दोस्तों, अगर आपका भी जनधन खाता है तो भी दोस्तों यहां पर आपके लिए एक नई और बहुत ही बड़ी खबर। इस खबर के तहत आप सभी को मिलने वाले हैं 7,000 रुपए सीधे अपने जनधन खाते में। तो आखिरकार में ऐसी कौन सी खबर है और दोस्तों ये पैसे आपको कैसे मिलेंगे, ये भी दोस्तों हम आपको बताएंगे। और साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए रेल सेवा से जुड़ी, इसके अलावा दोस्तों अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है, साथ ही में दोस्तों अगर आप भी घर में खाना बनाने के लिए रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं या फिर दोस्तों अगर आपके राज्य में स्कूल कॉलेज नहीं खुले हैं, तो इस प्रकार की बहुत ही बड़ी और ताजा खबरों को लेकर हैं। इन सारी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों सारी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि दोस्तों अगर आप भी इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में दोस्तों अगर आपका मन कहे तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है। दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, जी हां दोस्तों, इस महीने में कोरोना वायरस को लेकर लगातार अच्छी अच्छी खबरें आ रही है। लेकिन दोस्तों इसी बीच आपके लिए
लिए आज कोरोना वायरस को लेकर एक अच्छी खबर आई है, साथ ही में दोस्तों आपके लिए एक बुरी खबर भी आई है। जी हाँ दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं अच्छी खबर को, जिसमें दोस्तों आपके लिए अच्छी खबर ये आई है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में कोरोना वायरस को लेकर लगातार मामलों में कटौती आ रही है और दोस्तों देश में कोरोना का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है और दोस्तों जितने भी कम मरीज आ रहे हैं उनमें स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। तो दोस्तों ये हम सब लोगों के लिए कोरोना वायरस को लेकर अच्छी खबर है। साथ ही में दोस्तों आइए जानते हैं बुरी खबर को। दोस्तों बुरी खबर ये है कि दोस्तों WHO ने कहा है कि दोस्तों अभी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने में लगभग 6 महीने और लग सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बुरी खबर है, लेकिन दोस्तों इसी बीच आपको अपना और अपने परिवार का खास ख्याल रखना है। दोस्तों आपको अपने ही घरों में बैठे रहना है, इसलिए दोस्तों ताकि 6 महीनों में कोरोना वायरस की वैक्सीन बन जाए और उसके बाद में हमारा पूरा विश्व और साथ ही में पूरा देश से मुक्त हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ये आपके लिए अच्छी खबर थी और साथ ही में ये आपके लिए बुरी खबर थी। अगली बड़ी खबर दोस्तों कि दोस्तों कोरोना काल में आने वाले त्योहारों पर भारत सरकार ने देश में कुछ नए नियम लगवाए हैं, जिन नियमों का आपको पालन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज का सबसे पहला बड़ा नियम दोस्तों कंटेनमेंट जोन, यानी कि दोस्तों ऐसी जगह जहां पर कोरोना वायरस ज्यादा फैला हुआ हो तो वहां पर कोई भी कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं है। दोस्तों इसके अलावा आपके लिए दूसरा नियम ये है कि दोस्तों 65 साल से अधिक उम्र वाले, साथ ही में दोस्तों गर्भवती महिलाएं और दोस्तों बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है तो उनको घरों में ही रखने की सलाह दी गई है। तो दोस्तों ये आपके लिए दूसरा नियम था। इसके अलावा दोस्तों तीसरा ये है कि दोस्तों अगर किसी भी मंदिर में पूजा होती है या फिर दोस्तों पूजा पाठ होता है तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना होगा। मतलब कि दोस्तों आपको 5 मीटर की दूरी बनाए रखनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों यहां पर भारत सरकार की तरफ से आपको एक बहुत ही बड़ा इनाम मिलेगा। तो आपको कौन सा इनाम मिलेगा ये तो दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों फिलहाल इतना ही कि आपको इन नियमों का पालन करना होगा। दोस्तों ये हम सब लोगों के लिए नियम है और दोस्तों ये नियम हमारे ही फायदे के लिए है, इसलिए दोस्तों आपको इन नियमों का पालन करना होगा। साथ ही में दोस्तों क्या आप भी दीपावली पर पटाखे जलाते हैं फिर दोस्तों नहीं जलाते हैं, ये आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। इसी के साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की दोस्तों भारत सरकार का सबसे बड़ा फैसला, पत्नी का ये खाता खोले और प्रतिमाह कमाए 44,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हम आपको बता दें कि जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि दोस्तों भारत में लगभग 5-6-7 महीनों से लगातार लॉकडाउन है और दोस्तों लॉकडाउन के समय आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं और वैसे में दोस्तों आज भारत सरकार ने देश में सभी पत्नियों के लिए एक नई योजना लाए हैं, जिसके तहत दोस्तों अगर आप भी आवेदन करते हैं तो आपको प्रतिमाह नहीं लेकिन दोस्तों आपको एक बार 44,000 रुपए आपके बैंक खाते में मिल जाएंगे। तो दोस्तों कौन योजना है, योजना का नाम है दोस्तों पत्नी घर की लक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों, यही इस योजना का नाम है और दोस्तों साथ ही में अगर आप भी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप गूगल पर सर्च करना होगा पत्नी घर की लक्ष्मी। अगर दोस्तों आप ऐसा सर्च करते हैं तो वहां पर आपके सामने इस योजना की वेबसाइट आ जाएगी और वहां पर जाकर दोस्तों आप इस योजना के तहत आवेदन भी कर सकते हैं और दोस्तों ये फायदा सीधे अपने बैंक खाते में उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली बड़ी खबर की दोस्तों अगर आपके पास में कोई भी पुराने नोट है या फिर दोस्तों कोई भी पुराना सिक्का है तो आप जिन्हें बेचकर बन सकते हैं लखपति। जी हाँ दोस्तों, क्या ये खबर सच है या फिर दोस्तों झूठ है, इसके बारे में आगे हम खुलासा करेंगे, लेकिन दोस्तों फिलहाल अगर आपके पास में 5 रुपए का ट्रैक्टर नोट है तो आपको मिलेंगे 5 लाख रुपए। साथ ही में दोस्तों अगर आपके पास में माता वैष्णो देवी वाला सिक्का है तो भी यहाँ पर आपको लगभग 2 लाख रुपए आसानी से कीमत मिल जाएगी। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको ये नोट और सिक्के कहाँ पर बेचने होंगे। दोस्तों नोट और सिक्के बेचने के लिए इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दूंगा। दोस्तों आप उस लिंक पर जाकर उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके हमारे नंबर ले सकते हैं या फिर दोस्तों जो भी बड़े बड़े बायर के नंबर होते हैं वो आप उस एप्लीकेशन के माध्यम से ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वहां पर आप अपने हिसाब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर दोस्तों जाकर आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगली बड़ी खबर की दोस्तों जल्द ही आ रहा है भारत में PUBG वापस। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले दोस्तों एक खबर चली थी कि Jio कंपनी खरीदने वाली है PUBG को, लेकिन दोस्तों अभी अभी एक बहुत ही बड़ी खबर आई है और दोस्तों PUBG यूजरों के लिए एक अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर यह है कि दोस्तों अब Jio नहीं लेकिन दोस्तों अब Airtel कंपनी खरीदेगी PUBG को। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दोस्तों हालांकि Airtel कंपनी का यह मालूम नहीं था, लेकिन दोस्तों फिर भी अब Airtel कंपनी ने ऑफिशियल ट्वीट करके बताया है कि दोस्तों अब जल्द ही Airtel कंपनी खरीदने वाली है PUBG को और वैसे में दोस्तों जल्द ही आने वाला है भारत में फिर से PUBG वापस। जी हां दोस्तों, Airtel कंपनी भी बहुत ही बड़ी कंपनी है, दोस्तों हो सकता है कि ये जल्द ही खरीदे और दोस्तों जल्द ही Jio यूजरों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ जाए। तो दोस्तों ये आपके लिए अच्छी खबर। तो दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है कि अगर आपके पास में 100 रुपए, 200 रुपए या फिर 500 रुपए के नोट अगर आपके पास में है या फिर आपकी जेब में या फिर घर में तिजोरियों में कहीं पर भी रखे हुए हैं तो यहाँ पर आपके लिए मोदी सरकार की नई गाइडलाइंस के तहत ये खबर जान लेना बेहद ही जरूरी है, नहीं तो दोस्तों आपको बाद में यहाँ पर पछताना भी पड़ सकता है।
तो दोस्तों 100 रुपए का नोट जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आपके पास में 100 रुपए का ये नोट है तो दोस्तों यहाँ पर भारत सरकार ने और साथ ही RBI ने गाइडलाइंस जारी किए कि आज से आगे ये 100 रुपए का नोट नहीं छपेगा और जितने भी नोट सर्कुलेशन में है ये नोट भी धीरे धीरे कम कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों आप अगर 100 रुपए के ये नोट घर पर बचा कर रख रहे हैं या फिर कहीं पर भी आपके सेव करके रखे हुए हैं तो दोस्तों इन्हें आप चेंज करवा लीजिए या फिर जल्दी बदलवा दीजिए, नहीं तो फिर आपके ये किसी भी काम के नहीं रहेंगे। साथ ही में दोस्तों 2000 रुपए के नोट भी अगर आपके पास में घर पर ज्यादा से ज्यादा रखे हुए हैं तो यहाँ पर RBI का एक नई रिपोर्ट आई है जिसके तहत RBI ने बताया है कि अब हम 2000 रुपए के नोट की भी छपाई बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट में यह भी आया है कि 2019 के बाद में 2000 के नए नोट की एक भी छपाई नहीं की थी, क्योंकि 2000 का नोट है जो यहाँ पर चेंज में और काफी बड़ा पड़ता है, लेन देन में काफी मुश्किल होती है, इसीलिए सरकार अभी ये 2000 का नोट धीरे धीरे सर्कुलेशन में कम रखेगी और धीरे धीरे इसको बंद भी करने जा रही है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की अगर आपके पास में एयरटेल जियो या फिर वोडाफोन का सिम है तो आपको हर महीने बिल्कुल फ्री में इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करना है, डेली आपको 2 GB डेटा बिल्कुल फ्री में कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों इस योजना का फायदा उठाने के लिए या फिर इस ऑफर को आपको एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले जियो का सिम है तो आपको माई जियो में जाना होगा एप्लीकेशन में, वहां पर जाने के बाद में माई ऑफर पर क्लिक करना होगा और वहां पर अगर आपके सिम कार्ड पर ऑफर मिलता है तो आपको वहां से सिंपली एक्टिवेट पर क्लिक करके एक्टिवेट कर लेना है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास में एयरटेल का सिम कार्ड है तो आपको यहां पर एयरटेल कस्टमर के लिए आपको 121363 पर कॉल करना होगा और पर वापस सामने आपसे रेडियो बोलेगा, रेडियो पर अगर आपके ऑफर एक्टिव होता है मतलब मौजूद पाया जाता है तो वहां पर आपको एक्टिवेट करने को बोला जाएगा, जहां से आप आसानी से इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और दोस्तों यही प्रोसेस यहां पर आपके वोडाफोन में भी पाई जाइए। अगली दोस्तों बड़ी खबर की अगर अभी तक आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं मिला है तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, क्योंकि दोस्तों अभी अभी यहाँ पर भारत सरकार ने यहाँ पर आवास योजना के तहत जिन लोगों को आवास नहीं मिला है या फिर जो लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं उन लोगों के लिए 3 टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, जिनमें से शहरी क्षेत्र वाले लोगों के लिए अलग है, ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए अलग है और साथ ही में जो लोग